मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से देश भर में CAA NRC NPR को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो इसमें महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और महिलाएं ही खास तौर पर इस कानून के खिलाफ जो है अब सड़कों पर उतर रही हैं। हम आपको बता दें कि मुंब्रा कौसा में जो है इसको लेकर लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है एक महिला संगठन द्वारा जो है गणतंत्र दिवस पर जो है यहां से एक विरोध प्रदर्शन की जो है रैली निकाली जाएगी, जिसमें खास तौर पर जो है महिलाएं शामिल की गई हैं। रैली जो है ये खास तौर पे महिलाओं की है। यहां पर कुछ महिलाएं हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो रैली यहां पर निकाली जाएगी गणतंत्र दिवस के मौके पर, ये रैली कितने बजे निकलेगी और इस रैली को लेकर इनकी क्या क्या जो है प्लानिंग है, किस तरह से इन लोगों ने पूरे शहर में इस रैली के बारे में लोगों को जानकारियाँ दी है, क्या स्कूल की जो छात्राएँ हैं उनको भी इस रैली में आमंत्रित किया है या नहीं किया है, इस सब पर हम इनसे सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महजबीन बामने है। और आपका जो सवाल है कि ये जो रैली निकल रही है ये कौसा मुमरा महिला संगठन की तरफ से निकल रही है, दोपहर में 3 बजे दारुलफला मस्जिद से स्टार्ट होगी, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी तादाद में औरतें हमारे साथ होगी। और हमारा मकसद है सेंट्रल गवर्नमेंट तक एक मैसेज पहुँचाना कि ये कानून आपके शहरियों को बिल्कुल मान्य नहीं है, इससे पीछे लिया जाए। हमारा ये भी प्रपोजल है कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाए कि केरला और पंजाब के मॉडल पर यहाँ पर भी विधानसभा में ये रेजोल्यूशन मूव किया जाए कि ये एक्ट और ये तहरीक महाराष्ट्र में लागू नहीं होगी। हमारा ये भी डिमांड है यूपी पुलिस और असम से कि जो डिटेनीज है उनको रिलीज़ किया जाए और उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं उसको विड्रॉ किया जाए। यस, ये कानून बहुत ख़तरनाक है। और सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ फेस मुसलमानों को बनाया गया है, टारगेट तो सारी माइनॉरिटीज़ हैं। 47 CR ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट, वो अपने डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? मतलब ये कि इनका मकसद ये है कि सारी टॉप पोजीशन सारी हुकूमत से ब्राह्मणियों के हाथ में रहे और बाकी सब इनकी शू पॉलिश करते रहें, तो ये तो हमको मान्य नहीं है। हमारी कंट्री तो इसलिए बनी ही नहीं थी, हमारी कंट्री तो हर शहरी को इक्वल राइट्स देने के लिए बनी थी। सो वी विल इन्फोर्स कि हमको वही इक्वल राइट्स, वही हमारी इज्जत के साथ हमको शहरी रहने का हक दिया जाए, ये नहीं कि सेकेंड सिटीजन बना दिया जाए। और ये सबसे पहले जो हमारी लड़ाई है ये संविधान बचाने के लिए भी लड़ाई है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 14 हमको दे रहा है कि यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट संविधान पे ही इसने तीर चला दिया है। तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि 1947 में जब से ये संविधान बना है ऐसी कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है, तो ये भेदभाव अब क्यों आए इस कानून में? और ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है इस देश को आज़ाद कराने में शामिल नहीं थे, मुसलमानों ने भी बहुत ज़्यादा अपने खूनों की बलि दी है, अपने खूनों का नजराना पेश किया है, तभी ये देश आज़ाद हुआ है। तो इस तरह ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप तमाम माइनॉरिटीज़ को लेंगे एक्सेप्ट मुसलमान को? तो इसलिए हम इस कानून को कंडेम करते हैं। और अभी बारी मुसलमानों की है, लेकिन इसके बाद फिर क्रिश्चियन आएंगे, इनके टारगेट बनेंगे, फिर दलित बनेंगे, ये इसी तरह सबको टारगेट बना बना कर अपने पैरों तले कुचलते जाएंगे। तो अगर आज हम ना जागे तो इसी तरह ये लोग हमको कुचलते रहेंगे। इस तरह से मुंब्रा शहर में और भी जो महिलाएं माइक कंपनी के सामने प्रोटेस्ट कर रही हैं, कल से बैठी हुई हैं वो, और ऐसे में आप लोगों का जो है महिलाओं का एक विरोध प्रदर्शन जो है निकाला जा रहा है 26 जनवरी के दिन, तो ऐसे में क्या आप लोग फिर उन महिलाओं को भी समर्थन अपना दे रही हैं जो वहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं? जी बिल्कुल, हमारा समर्थन उन महिलाओं के साथ भी है। और ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसी रैली, ऐसे धरने भारत में जहाँ जहाँ होंगे हमारा पूरा समर्थन पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और अभी ये है कि वो महिलाएं वहाँ बैठी है लेकिन हम भी अपने कामों में लगे हुए। आप लोग गए कभी वहाँ पर जो महिला? बिल्कुल, हम 3 दिन मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन अब रैली निकालनी है इसलिए हम लोग मैनेज करके प्लान करके अब हम लोग घर घर तक महिलाओं तक पहुँच रहे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को CA और NRC के बारे में अवेयर करा रहे हैं। हम कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे ताकि हमारी ये रैली सक्सेसफुल हो जाए, और हम ऐसे ही बार बार रैली और धरने देते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड ये गवर्नमेंट पूरी नहीं करेगी। आप बताइए, जिस तरह से जो यहाँ मुंब्रा शहर में स्कूल है जो इसमें तमाम छात्राएं पढ़ने वाली हैं, क्या उन लोगों को आप लोग इस रैली के बारे में जानकारियां दे रहे हैं जो ये कानून है इसके खिलाफ, अब इसके बारे में उन लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि इस रैली में जो गणतंत्र दिवस के मौके पर ये रैली निकाली जा रही है इसमें शामिल होने के लिए उन लोगों को आप लोग आमंत्रित कर रहे हैं या नहीं? जी, आपको जैसे पता है कि हमारा इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद रिपब्लिक डे बनाया जाता है, क्योंकि तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, राइट।
तो रिपब्लिक डे जो है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन डे के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं उसको. तो या फॉर श्योर हम लोग उस दिन रैली निकाल रहे हैं. और जो भी स्कूल्स के जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, हम लोगों ने उनसे बात की है 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, जैसे कि 16 साल के ऊपर की जितनी भी लड़कियां हैं उसको हम उनको हम लोगों ने कहा है, अपील की है, और वो ज़रूर आपको उस दिन दिखाई दिए जाएंगे. हम लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन भी दी है इस चीज़ की, और भी ज़्यादा उनको मालूम हो और भी ज़्यादा उनको सारी चीज़ें पता चले, इसीलिए उनका भी आना बहुत ज़रूरी है. और ज़रूरी नहीं है कि पर्सनली जाके बोला जाए लोगों को, ये मुद्दा ही ऐसा है कि जो ये नेशनल मुद्दा है, ये पर्सनल मुद्दा नहीं है जी, लोग नेशनल मुद्दा है, तो इसमें लोग खुद घरों से निकल के खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो हर जगह से जब जिनको पता चल रहा है इसके बारे में, लोग खुद ब खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग इन इंडिया. और इस रैली में लोग सिर्फ ऐसे ही निकल के नहीं आ रहे, बल्कि पूरे अपने शौक और पूरे अपने इमोशन और जज्बात के साथ आ रहे हैं. रैली का ना, तो आपने सुना कि जिस तरह से महिलाओं ने यहाँ बताया कि जो महिला संगठन है मुमरा कौसा की, इनके तरफ से जो है यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है एक दारुल फला मस्जिद से लेकर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक जो है एक प्रोटेस्ट निकाला जाएगा. और जिस तरह से इन महिलाओं ने बताया है कि जिस तरह से ये घर घर बाकायदा जा रही हैं, महिलाओं को इसके बारे में जानकारी दे रही हैं, और स्कूली जो छात्राएं हैं उनको भी इस रैली के बारे में जानकारी दी जा रही है कि ये कानून जो सरकार द्वारा लाया गया है इसके खिलाफ गणतंत्र दिवस को जो है एक विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा, और इसमें शामिल होने के लिए ये महिलाओं को जो है जागरूक कर रही हैं. कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहा टाइम्स, मुमरा. ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.